मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक महत्वपूर्ण बयान जारी करते हुए बताया कि चार धाम यात्रा के दौरान केदारनाथ में फंसे राज्य के 61 यात्रियों में से 51 को सफलतापूर्वक एयरलिफ्ट कर रुद्रप्रयाग पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शेष 10 यात्री केदारनाथ में सुरक्षित स्थान पर मौजूद हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। डॉक्टर यादव ने जानकारी दी कि शिवपुरी जिले के बदरवास क्षेत्र के यात्री एक बस और अन्य चार पहिया गाड़ी की मदद से केदारनाथ दर्शन के लिए गए थे। यात्रा के दौरान भूस्खलन की घटनाओं के कारण ये यात्री वहां फंस गए। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने तत्काल उत्तराखंड सरकार से संपर्क किया और यात्रियों को बचाने के लिए जरूरी कदम उठाए। मुझे बताया गया कि आज चार धाम की यात्रा पे गए लोग, खास करके शिवपुरी जिले के बदरवास के रहने वाले 61 लोग केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के दरमियान भूस्खलन की घटना के कारण से वहां फंस गए थे। उसमें सुरक्षित 61 लोगों में से 51 लोगों को निकाल करके पहुंचा दिया गया, हेलीकॉप्टर से लिफ्ट कराया गया है। 10 लोग जो बचे हैं वो भी सुरक्षित हैं। मैं जिला प्रशासन से, स्टेट गवर्नमेंट से, हमारी गवर्नमेंट लगातार संपर्क में, मेरा स्वयं का संपर्क हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं किसी को कोई कष्ट नहीं हो, लेकिन ये आपकी जानकारी होना चाहिए। मेरी अपनी ओर से बाबा सबको कुशल क्षेम रखे, किसी की कोई जनहानि नहीं हुई है, ना परमात्मा किसी की होने देगा। हम सब चाहते हैं कि हमारी धार्मिक यात्रा के दरमियान आने वाली वर्षा जनित कठिनाइयों के कारण से ये घटना घटी है। एक बार फिर मैं सबके मंगल और कुशल क्षेम की कामना करता हूँ। जय महाकाल। और हम केदारनाथ के दर्शन होके आए थे, हमारे दर्शन हो गए थे, उसके बाद बस हम गौरीकुंड पहुँच के हमने दृश्य जो देखा है ना आँखों के आगे, वो 2013 वाला याद आ गया। और बड़ी मुश्किल से निकले हम, प्रशासन ने बहुत हेल्प करी है, मदद करी है, रेस्क्यू किया है, और काफ़ी कम से कम 3 किलोमीटर का रेस्क्यू हुआ है, और बहुत बढ़िया, प्रशासन का अच्छा काम है यहाँ।